लीज़ 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 ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो कि हमारे शहर कराची में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का इसको एक्चुअल कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं पता। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीज़ के कॉन्सेप्ट को, उसकी तमाम तर डिटेल्स, और देंगे आपके तमाम फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस का आंसर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ जवेरा रज़ा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीज पे। सबसे पहले बात करें लीज के कॉन्सेप्ट पे कि एक्चुअली लीज का कॉन्सेप्ट है क्या। लीज एक ऐसा अग्रीमेंट है जो कि एक लैंड ओनर और एक टेनेंट के दरमियान होता है। अब ये एक छोटे स्केल पे भी हो सकता है या फिर ये अथॉरिटी लेवल स्केल पे भी हो सकता है। एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए इसको बांधा जाता है और एक अमाउंट पे किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रेंट जो कि उस लीज में तय होता है। दूसरी अहम बात ड्यूरेशन, लीज का ड्यूरेशन 1 साल से लेके 99 साल तक भी हो सकता है। हम अक्सर प्रोजेक्ट्स में सुनते हैं कि जी 99 साल लीज के साथ मौजूद एक्स वाई जी, तो वो यही एक केस होता है कि उस लैंड को 99 साल लीज पे लिया गया होता है और लोगों को बेचा जा रहा होता है। तीसरी चीज पर्पस ऑफ लीज, लीज के कई पर्पस हो सकते हैं जिसके तहत उसको लिया गया होता है। फॉर एग्जाम्पल रेजिडेंशियल यूज, कमर्शियल यूज, रिक्रिएशनल यूज, एग्रीकल्चरल यूज़ या स्पेशल यूज़ एक्स वाई जी, ये तमाम तर चीज़ें लीज के पर्पस में इंक्लूडेड होती हैं और ये चीज़ लीज के अग्रीमेंट पे मेंशन किया जाता है कि इसका एक्चुअली पर्पस क्या है जिसके तहत इसको लीज करवाया जा रहा है। चौथी चीज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब हम किसी भी लीज अग्रीमेंट के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों पार्टीज पे क्या लाइबिलिटीज एक्चुअली आती है, किन बातों को उन्हें फुलफिल करना होता है, उन पे बात की जाती है। यूजुअली ये तमाम तर टर्म्स कस्टमाइज्ड होती हैं, लेकिन अगर हम एक जेनरिक ओवरव्यू से बात करें तो जिसने ज़मीन अपनी लीज की होती है किसी थर्ड पार्टी को या सेकेंड पार्टी को, तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो उस लैंड को एक अप्रोप्रिएट कंडीशन में रखे, और जिसने अपने नाम पे लीज करवाई होती है वो जिस भी एक यूज़ में लेता है। फॉर एग्जांपल हमने कराची में इस तरह की कई एग्जांपल्स देखी हैं कि जी एग्रीकल्चरल लैंड लीज हुई हुई है लेकिन उसके ऊपर रेजिडेंशियल या कमर्शियल तामीराती मंसूबात बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली अमाउंट के डिफरेंस की वजह से इस तरह के फ्रॉड या फिर इस तरह के लैंड स्कैम्स होते हैं और वही प्रोजेक्ट्स तबाह हो जाते हैं या फिर उन्हें नहीं खरीदा जाता। जब गवर्नमेंट के ऑफिसेज में दफातर में ये बातें खुलती हैं तो वहाँ पे एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो इन सब चीज़ों से क्रिएट होता है। चौथी चीज़ रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन, बहुत सारे ऐसी शरायत होती हैं जिन्हें अगर फुलफ़िल नहीं किया जा रहा होता तो हमारे जो यहाँ पे वो पार्टी होती है जिसने अपनी ज़मीन लीज की होती है किसी दूसरी पार्टी को, उसके पास टर्मिनेशन के राइट्स होते हैं कि वो उस अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। रिन्यूअल की बात करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक सिनेरियो अच्छा चल रहा है, ज़्यादातर हमें रिन्यूअल्स देखने को मिलते हैं, वैसे तो आई एम श्योर के बड़ी सोसाइटीज़ में भी मिलते होंगे। इसको अगर हम एग्जांपल दें एक सिंपल रेंट की डील से कि आपने एक अपार्टमेंट रेंट किया और आपने 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट पे उसको लिया, नाउ अब आपके रिन्यूअल का टाइम आएगा, जब वो 1 साल ख़त्म होगा तो आप अपने मकान मालिक के साथ दोबारा उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाने के लिए बैठेंगे। यूजुअली वहाँ पे 10% या 15% प्राइसिंग में इंक्रीज आता है जिसके तहत वो रिन्यूअल पे कॉन्ट्रैक्ट जाता है। बात करें अब लीगल फ्रेमवर्क्स की, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत जो कायम किया गया था वो तमाम तर लीज एग्रीमेंट्स के रेगुलेशंस में या फिर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के समझने में काम आता है। रजिस्ट्रेशन पे आए तो एक सर्टेन वैल्यू या ड्यूरेशन तमाम तर रेलिवेंट अथॉरिटीज़ SBCA, KDA, MDA, LDA, XYZ, जिस शहर में भी आप वाक़ हैं, तमाम तर वहाँ की चीज़ों से उसके तहत उसको कायम किया जाता है और इस लीज अग्रीमेंट में इन तमाम अथॉरिटीज़ का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है ताकि उसको एक लीगल शक्ल दी जा सके। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स इस डील्स की तरफ जाते हैं जहाँ पे उनके लिए लीज लैंड बहुत ज़्यादा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आगे फ्यूचर में एक बेहतरीन इकोनॉमिक एक्टिविटी को या फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स में डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। अब हम बात करें कि कौन सा ऐसा लैंड है जो कि लीज हो सकता है। यहाँ बात करें हम एग्रीकल्चरल लैंड की, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, रिक्रिएशनल, इंस्टीट्यूशनल, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, गवर्नमेंट लैंड या फिर अनयूज्ड और वेकेंट लैंड। ये वो तमाम तर लैंड है जो एक्चुअली लीज हो सकता है, लेकिन
अगेन हम पाकिस्तानी एक माइंडसेट से बात करें तो कौन सा काम हमें नहीं करना है, तो बहुत सारे ऐसे लैंड कैटेगरीज हैं जो लीज के जुमरे में नहीं आती। उसमें आ जाता है लैंड जो कि स्टेट ओन्ड है, इसके अलावा प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ लैंड जिसे हम कहते हैं, मिलिट्री या डिफेंस पर्पस के लिए, फॉर एग्जांपल हम मलीर कैंड देखें, यहाँ पे सीओडी देखें, ये तमाम तर वो लैंड है जो हम लीज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम तर लैंड जो कि किसी डिस्प्यूट या लिटिगेशन के इशू में ऑलरेडी मौजूद है या फिर जो कि हेरिटेज साइट्स की जगह है। फॉर एग्जांपल अगर हम कराची में बात करें तो मोहाटा पैलेस जो है वो इस वक्त हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड होता है। नाउ वहाँ पे उस लैंड को लीज़ नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ कि मुख्तलिफ पाकिस्तान में कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, कराची में हम मुख्तलिफ शादियाँ होते हुए देखते हैं जो कि एक स्पेसिफिक शादी हॉल्स में या बैंक्वेट्स में हो रही होती हैं, नाउ इवन दैट इज़ लीज़ फॉर कमर्शियल पर्पस, लेकिन हमने यही चीज़ें मोहाटा पैलेस में होते हुए नहीं देखी। आखिरी शादी जो मोहाटा पैलेस में ऑब्जर्व की गई थी वो थी शीरी रहमान की, उसके बाद से हमने कोई भी शादी या कोई कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ होते हुए नहीं देखी। साल में एक चैरिटी बेस्ड इवेंट वहाँ पे होता है सिर्फ, तो क्योंकि वो हेरिटेज साइट है हम वहाँ से उस चीज़ को कमर्शलाइज करके वहाँ से कैश आउट नहीं कर सकते। तो ये थी जी कुछ चीज़ें कि कौन से लैंड्स एक्चुअली हम लीज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते, तमाम तर लीज़ की डिटेल्स। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए रेड बॉक्स टीवी।